पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और माइक की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर डायनामैक्स ग्रेनिंजा टाइडल गेस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद माइक अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है कॉन क्विकसेन को। कॉन क्विकसेन और ग्रेनिंजा दोनों में काफी अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में ग्रेनिंजा हार जाता है और ऐश भेजता है अपने लास्ट पोकेमॉन यानी कि आरसीएस को, जो कि फाइनली कॉन क्विकसेन पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और ये बैटल ऐश को जिता देता है। अब आगे वेलम माइक ऐश के पास आता है और बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल नहीं करी थी, और एक फन फैक्ट यह है कि इस बैटल से पहले मैं अनडिफीटेड था, कोई भी ट्रेनर मुझे डिफीट नहीं कर पाया था, जिसके चलते मैं इस बैटल को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मेरे पोकेमॉन्स ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो नॉर्डन के पोकेमॉन थे, जिसके चलते मैंने उनके ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दी, वहीं पर तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और तुम्हारा हर एक पोकेमॉन अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। मैंने इस बैटल से काफी कुछ सीखा है और अगली बार मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा, एंड आई होप तब तक तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओ। ऐश बोलता है थैंक यू, बाय द वे मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने स्ट्रैटेजी की वजह से जाना जाता हूं, बट अगर मैं सच बोलूं तो मुझे सबसे पहली बार ऐसा लगा कि मेरी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी थी, बट स्टिल मेरे पोकेमॉन ने ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करी है, एंड हाँ मैं पोकेमॉन मास्टर बनकर रहूंगा और फिर मैं तुमसे जरूर एक रिमैच करूंगा। माइक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और अब मुझे चलना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है, तभी वहाँ पर चेयरमैन आता है और बोलता है कि मैंने ये तुम्हारी पूरी बैटल देखी है और मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम काफी इंप्रूव कर रहे हो। शुरुआत में तुम्हें एक बैटल जीतने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता था, पर जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है तुम और भी ज्यादा इजिली बैटल जीत रहे हो, जिससे पता चलता है कि तुम काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो और अब तुम टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुके हो, यानी कि टॉप 4 सबसे स्ट्रांग ट्रेनर्स में से एक हो, और देखना ये होगा कि इसके आगे तुम टॉप 2 या फिर टॉप 1 में जा सकते हो, यानी कि सबसे स्ट्रांग ट्रेनर बन सकते हो। ऐश बोलता है कि क्या स्ट्रांग ट्रेनर, बट मुझे तो पोकेमॉन मास्टर बनना है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, बट वहाँ पर एक ट्विस्ट है। ऐश बोलता है कि क्या ये लीग पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए नहीं है? चेयरमैन बोलता है कि बिल्कुल यही वो लीग है जिससे तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो, बट अगर तुम लॉजिक लगाओ तो यहाँ पर उन सारे ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हैं। असली पोकेमॉन मास्टर इसमें कम्पीट नहीं करता है, तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतने के बाद उससे बैटल कर सकते हो। ऐश बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया। चेयरमैन बोलता है कि आज एक पार्टी होने वाली है टॉप 4 ट्रेनर्स की, जहाँ पर तुम इन्वाइटेड हो। वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जिनमें से टॉप 4 ट्रेनर्स भी होने वाले हैं, इसको अटेंड करना मत भूलना। ऐश बोलता है कि हाँ मैं इस पार्टी को जरूर अटेंड करने वाला हूँ। तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो टॉप 4 में आ चुका था। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब ऐश को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ब्रॉक भी ऐश को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये बैटल तुम्हारी अब तक के सबसे ज्यादा इजी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल थी, जबकि सामने एक नॉर्डन का ट्रेनर था। इससे पता चलता है कि तुम टाइम के साथ कितना ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे हो। मैं तो डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए फेवरेट हो। मिस्टी बोलती है कि अभी ऐश को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे और कौन से ट्रेनर्स आने वाले हैं। ये पूरी तरह से एक मिस्ट्री होगी। ऐश बोलता है कि हाँ, और मुझे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहिए। सरीना बोलती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा ग्रेनिंजा ट्रेनिंग करने के बाद अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसने नॉर्डन के सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन कॉन क्विकसेन को भी टक्कर दे दी थी एक पोकेमॉन को हराने के बाद भी। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी ये नोटिस किया है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि ग्रेनिंजा अब काफी ज्यादा खुश है और वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को इतनी ट्रेनिंग करने के लिए थैंक यू बोलता है। ब्रॉक बोलता है कि ग्रेनिंजा ट्रेनिंग करके काफी स्ट्रांग हो चुका है, क्यों ना तुम चार्जार्ड को भी ट्रेनिंग कराओ और उसको भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दो, जिससे वो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर पाए। ऐश बोलता है कि मेरा चार्जार्ड ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, बट ये आइडिया बुरा नहीं है, इससे चार्जार्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बट इसके लिए मुझे चार्जार्ड की परमिशन चाहिए, क्या मैं उसको अकेले छोड़ सकता हूँ? ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और बोलता है चार्जार्ड तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम फॉरेस्ट में अकेले बिताओ और वहाँ पर खुद से ट्रेनिंग करो और नॉर्डन पोकेमॉन्स को डिफीट करो, जिससे तुमको नया एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। चार्जार्ड को हमेशा से ही स्ट्रांग बनना काफी ज्यादा पसंद है और वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग चार्जार्ड बनना चाहता है, जिसके लिए वो जल्दी से हार कर देता है और वो ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। ऐश बोलता है ठीक है, फिर हम तुमको उस फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं, जिसके बाद तुम कुछ टाइम ट्रेनिंग करके वापस आना। चार्जार्ड बोलता है ठीक है और सब उसके साथ जाते हैं उस फॉरेस्ट में, जहाँ पर ऐश अपने चार्जार्ड को टेम्पररी टाइम के लिए छोड़ देता है और वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं और उनको याद आता है कि ऐश को अभी एक पार्टी भी अटेंड करनी है, जिसके लिए सब जल्दी से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ऐश पार्टी के जगह पर पहुंचता है, उसको बताया जाता है कि ऐश को अपना फेस छुपाना होगा, जिसके चलते कोई भी उसको पहचान नहीं पाए और बाकी ट्रेनर्स भी इसी तरह से मास्क पहनेंगे। ऐश भी मास्क पहन लेता है और पार्टी में चले जाता है, जहाँ पर सब काफी ज्यादा मजा करते हैं। पर पार्टी के बीच में ही ऐश की एक ट्रेनर के साथ बहस हो जाती है। वो ट्रेनर ऐश को गुस्से में बता देता है कि वो टॉप 4 का एक ट्रेनर है एंड वो अगर चाहे तो ऐश को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकता है, इसीलिए ऐश को उससे बहस नहीं करनी चाहिए। वो ट्रेनर ऐश को नहीं जानता था, बट ऐश उसको कुछ नहीं बोलता और वहां से चले जाता है, क्योंकि ऐश को आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना किया गया था। ऐश ब्रॉक के पास जाता है
और सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वोटरा मुझे देखा हुआ लग रहा था, बट उसने भी एक मास्क पहना था। वोटरा टॉप फोर में भी है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वोटरा कौन था। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं, कुछ टाइम में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वोटरा कौन था टॉप फोर में या फिर टॉप टू में। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, एंड अगर मुझे टॉप फोर में पता चलता है तो मैं डेफिनेटली उसको टॉप टू में नहीं जाने दूंगा। तभी ऐश को कोई पुश करता है और वहां से चले जाता है। ऐश देखता है कि ये तो वही ट्रेनर था और ये हमारी बातें सुन रहा था। कुछ टाइम बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब वापस आ जाते हैं। सबको पार्टी में काफी ज्यादा मजा आया होता है, बट ऐश उसी ट्रेनर के बारे में सोच रहा होता है। ब्रॉक बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, तुम उसको बैटल में प्रूफ कर देना कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा। अगले दिन ऐश बोलता है कि अब हमें फॉरेस्ट में जाना चाहिए ये देखने के लिए कि चार्ल्स आर्ट की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिसके लिए ऐश और ब्रॉक दोनों साथ में फॉरेस्ट में जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि चार्ल्स आर्ट आराम कर रहा होता है ना कि ट्रेनिंग। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि उसने कुछ टाइम पहले ही कुछ पोकेमॉन से बैटल करी हो, जिसके चलते वो अभी आराम कर रहा है। तुम्हें चार्ल्स आर्ट को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टॉप फोर स्टार्ट होने से पहले तुम चार्ल्स आर्ट को लेने आ जाना। ब्रॉक की बात मानकर ऐश और ब्रॉक वापस से अपने घर पर आ जाते हैं। ऐश अब अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी ट्रेन करता है और रेडी करता है टॉप फोर बैटल्स के लिए। तभी ऐश को उसके रोटोम फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ऐश अपने रोटोम फोन को खोलता है और वहां पर बताया गया था कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में अभी जितने भी मेंबर्स रह गए उनको जल्दी से स्टेडियम में आना है, उनको कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसके लिए ऐश जल्दी से स्टेडियम के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर चेयरमैन ऐश को बताता है कि टॉप फोर में दो बैटल्स होने वाली है, दोनों ही बैटल को जो जीतता है वो टॉप टू में चले जाएगा। एंड हाँ, इस बैटल में कुछ लिमिटेशन है। इस बैटल के अंदर तुमको सिर्फ और सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करने दिए जाएंगे, यानी कि हाँ तुम एक भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल का यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अनफेयर रूल है, क्योंकि अभी तक मेरे जर्नी में मेरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है और मुझे काफी सारी बैटल जिताई है। चेयरमैन बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा सामने वाला ट्रेनर यानी कि अपोनेंट भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकता है, एंड ऑब्वियसली उसके भी जर्नी में लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन ने काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया होगा, एंड इस रूल को अब चेंज नहीं किया जा सकता। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर वापस से अपने घर पर आता है और वो ये चीज ब्रॉक, मिस्ट्री और सेइना को बताता है। मिस्ट्री बोलती है कि अब तुम्हें अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की टीम बनानी चाहिए और उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, कंप्लीट करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है।